दोस्तों महाभारत की शुरुआत राजा शांतनु की कहानी से होती है। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह थे। आइए जानते हैं कि किस तरह राजा शांतनु के कारण कौरव और पांडवों के कुल का प्रारंभ होता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों एक कहानी के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में महाविष नाम के राजा हुआ करते थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया था। एक दिन सभी देवता ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए थे। हवा की वजह से गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसककर नीचे गिर जाते हैं। तब सभी देवताओं ने अपनी आंखें नीची कर ली थीं, किंतु महाविष्णु उन्हें देखते ही रहे और मोहित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों मृत्यु लोक में जन्म लोगे। जिस गंगा को तुम देख रहे हो उससे तुम्हारा मिलन नहीं होगा और ब्रेकअप हो जाएगा। इस प्रकार महाविष्णु का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप और रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ जाती है और कहने लगती है, राजन मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं जहन्नुम ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो जबकि पत्नी को तो बाईं तरफ होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराजा प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। राजा प्रतीप के बाद उसके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया और पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार अब मुझे स्वर्ग जाना होगा। 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके हवाले है। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्गलोक चली गई तो राजा शांतनु अकेले पड़ गए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मोहित हो गए। उन्होंने कन्या से उनका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा मेरा नाम सत्यवती है और मैं एक निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे और सत्यवती भी राजा के प्रेम में रहने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रपोजल रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल होने लगे। जब यह बात गंगा पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की गंधर्व युद्ध में मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य का विवाह अम्बालिका और अंबिका से हुआ। विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतान नहीं हुई और वह भी चल बसा। तब भीष्म पिता के सामने वंश को आगे बढ़ाने का संकट पैदा हुआ। तब सत्यवती ने ऋषि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास जी ने मंत्रों से अंबिका और अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों का जन्म होगा ऐसा वरदान दिया। दोस्तों अब एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर सत्यवती और ऋषि वेदव्यास का क्या संबंध है और वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती जी ने वेदव्यास जी को क्यों बुलाया था। दोस्तों सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी और वह राजा शांतनु से मिलने से पहले ऋषि पराशर के साथ प्यार कर चुकी थी। सत्यवती लोगों को अपनी नाव से यमुना पार करवाती थी। एक दिन ऋषि पराशर को अपनी नाव में ले जा रही थी। ऋषि पराशर उससे आकर्षित हुए और उससे संबंध बनाने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी थीं। शर्त पहली थी कि ऐसा उन्हें करते कोई ना देखे। ऋषि पराशर ने तब एक कृत्रिम दीप बना दिया, उसकी कौमार्यता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ऋषि पराशर ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी हो जाएगी।
तीसरी शर्त रखी कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी वधु एक शानदार खुशबू में बदल जाए। पराशर ने उसके चारों एक सुगंध वाला वातावरण पैदा कर दिया। सत्यवती और पराशर ऋषि के प्रेम के कारण महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ और वेदव्यास ऋषि के कारण ही धृतराष्ट्र और पांडवों का जन्म होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन सत्यवती, ऋषि वेदव्यास, पराशर, शांतनु, कौरव, पांडव और भीष्म के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी। YouTube पर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, लेकिन दोस्तों इस तरीके से सारी जानकारी एक वीडियोस में आपको नहीं मिलेगी। ऐसे ही और आपको अगर महाभारत से रिलेटेड जानकारियाँ या प्रसंग जानने हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।